हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में अगर आपके पास कोई डेटा, अगर डेट के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट की कोई सेल हो या कोई वैल्यू आपको सम करनी है, तो कैसे आप उसको एक्सेल में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक डेटा मैंने बना रखा है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीन कॉलम है मेरे पास। पहला कॉलम है हमारे पास डेट्स का, तो जिसमें एक या दो डेट मैंने ले रखी है। तो डेटा आपके पास डेट का और ज़्यादा हो सकता है, बस जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने अभी यहाँ पर केवल दो ही डेट यहाँ पर ली हैं। और सेकेंड कॉलम है मेरा आइटम्स का, जिसमें मैंने दो ही आइटम ले रखी है। एक टीवी आप देख रहे हैं, दूसरा आप देख रहे हैं एसी। और उसी के हिसाब से यहाँ पर इन सब की यहाँ पर हमारे पास सेल है। तो फ्रेंड्स, कभी भी जब आप काम करते हैं एक्सेल पर, गूगल शीट पर, तो सबसे पहले आपको डेटा को समझना होता है कि डेटा को आपको कैसे एनालाइज करके सामने प्रेजेंट करना है। तो ये मैंने आपको बताया डेटा। अब हम बात करते हैं कि अगर डेट के हिसाब से अगर हमें इसकी सेल को अगर हमें सम करना है एक्सेल में, तो हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रैंडमली जैसे यहाँ पर हम दो ही डेट मेरे पास हैं, एक फर्स्ट अगस्त है, दूसरा है सेकेंड अगस्त। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर रखूँ फर्स्ट अगस्त, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट अगस्त डेट का एक हो गया। अब इसके बेस पर हमें यहाँ जाननी है सेल। अब सेल क्या जाननी है कि एक तारीख को जितने भी जो भी प्रोडक्ट हैं, टीवी या एसी जो भी हैं, इसकी टोटल सेल यहाँ पर कितनी हुई है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है इक्वल टू सम इफ। तो सम इफ जब आप टाइप करेंगे तो ये आपसे पूछेगा रेंज। अब रेंज में आपको रेंज कौन सी लेनी है जिसका आपको आउटपुट चाहिए। तो हमें यहाँ पर डेट का आउटपुट चाहिए, यानी कि इस कॉलम से हमें डेट का आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा डेट वाला कॉलम। तो इसको आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे कॉमा। अब क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका, तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, डेट है। यानी कि हमें इस डेट के हिसाब से जानना है कि इस कॉलम में, यानी कि जो डेट वाला जो कॉलम है, उसमें जितने भी एक तारीख वाले या जो भी डेट है, उसके हिसाब से हमें उसकी टोटल सेल को जानना है। तो उसके हिसाब से हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा ये वाला। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ समझ में आ गई है। पहले हमने रेंज सेलेक्ट की है, तो रेंज आपको वही लेनी है जिसका आपको आउटपुट निकालना है, यानी कि हमें डेट का आउटपुट निकालना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले क्राइटेरिया रेंज हमारा कौन सा था, वो था हमारा डेट वाला कॉलम। देन फिर हमने बात की है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया हमें किसका यहाँ पर जानना है आउटपुट, वो है डेट का। तो हमारा यहाँ पर क्राइटेरिया हो जाएगा डेट का। फिर आखिरी हमारा स्टेप है सम रेंज। तो सम रेंज में क्या है, केवल वैल्यू है आप यहाँ पर लेंगे, तो सम रेंज हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये। और इसको आप जो है ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते हैं या आप यहाँ पर इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल सेल की वैल्यू निकल के आ गई है। अब ये वैल्यू सही है या गलत है, इसको हम कैसे क्रॉस चेक करेंगे, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ। तो पहली डेट है फर्स्ट अगस्त, फिर हम यहाँ पर ढूंढेंगे फर्स्ट अगस्त ये रहा। फिर तो सभी वैल्यू को हम इस तरह से यहाँ पर प्लस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इन सब की वैल्यू को यहाँ पर कर दिया है। अब चेक कर लेते हैं कोई और वैल्यू रह तो नहीं कि इसमें। तो फर्स्ट अगस्त हमारा ये हो गया एक, फिर सेकंड हो गया ये, फिर ये हो गया, तो कुल मिला के एक वैल्यू हमारी रहेगी ये वाली। तो इसको अगर मैं इस तरह से सम करें तो ये पहले हमारी वैल्यू थी, देन हम उसके बाद ये पहले प्लस है हमारा, फिर इसके बाद ये, वन बाई वन हम इसको कर लेते हैं क्रॉस चेक। भी जब भी आप कोई भी फंक्शन ट्राई करते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी वैल्यू को चेक करना होता है, क्या वो रिजल्ट फंक्शन जो हमने यूज किया है क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए वैल्यू कितनी निकल के आई है, तो इसका मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़ा यहाँ बढ़ाता हूँ।
तो देखिए वैल्यू जो निकल के आई है वो यही निकल के आई है 1142306, यानी कि ये जो फंक्शन है बिल्कुल एक्यूरेट है। अब यहाँ पर मैं अगर मैन्युअली टाइप करूँ 2 अगस्त, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक उसकी सेल यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह आप इसकी भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फिर सम फंक्शन ट्राई करेंगे। यहाँ पर 2 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम इसी तरह से प्लस कर लेते हैं 1 बाय 1, प्लस। तो ये 2 की हमारे पास ये है, तो हम इंटर प्लस यहाँ पर करेंगे। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है इसकी इतनी। क्या हम चेक करते हैं क्या ऐसा ही हमने किया है टोटल सम 1 बाय 1 कर लेते हैं, मे बी वो गलत हो सकता है। 2 ही हो गया, फिर उसके बाद हमारा हो गया प्लस, प्लस हम कर लेते हैं 1 बाय 1। तो इंटर प्रेस, तो बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हैं कि यही वैल्यू यहाँ पर निकल के आई है 6969993, यानी कि बिल्कुल सही ये फंक्शन यहाँ पर काम कर रहा है। तो मैंने ये आपको बताया बड़ा आसान और सिंपल फंक्शन सम इफ फंक्शन। तो कैसे मैंने इसको यूज किया, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है यहाँ पर सम इफ, रेंज पूछना है, तो रेंज आपको डेट की रखनी है क्योंकि हमें डेट का चाहिए। तो यहाँ पर डेट हमारा पहला है, यहाँ पर रेंज हो जाएगा। फिर क्राइटेरिया हमें किसको जाना है, डेट का जानना है, तो ये हमारा ये वाला रेफरेंस ले लेंगे आप। और फिर आखिरी में आप ले लेंगे यहाँ पर सम रेंज। तो देखिए वैल्यू निकल के आ गई 2 तारीख की। अब आपको पहली तारीख का अगर जानना है तो आप फर्स्ट टाइप करेंगे, तो ये आपको पहली तारीख की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में, कि अगर आपके पास कोई भी डेटा चाहे गूगल शीट में हो या एक्सेल में हो, और अगर डेट के हिसाब से अगर कहीं उसकी सेल दी गई है, तो कैसे आप उसको उसका सम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।